से मिली है। ये हैं मिस्टर विनय मल्हान, बहुत ही महान, पूछो क्यों। कैसे रहूं तुझसे पूछूं, ये बातें तू दिल की बताए ना क्यों, कैसे रहूं। कल मैंने साग बनाया तो पतिदेव ने बोला मैंने साग नहीं खाना, और आज मैंने बनाई गाजर मटर, कह रहे मेरे को तो साग के साथ दे दे। मतलब आपने कुछ बोलना है? No comments. इसलिए उनको पता है कि मैं हर बार सब्जी खाने से नखरे करता हूँ, तो अब मैं क्या ही बोल लूँ। ये देखो इतने शानदार बने हैं गाजर मटर, पर धनिया डाल दिया और भी बढ़िया बन गए। गाइस ये देखो हमारे पापा, पहले तो घर से हिलते नहीं थे, अब तो इनका सैलून भी घर पे आ गया है। मैं बुलाता हूँ कि तू बुलाता भैया को घर? इकरार भैया किसने बुलाया है? आज अंकल ने बुलाया, वैसे हमेशा आप बुलाते हो। गंदी रात बजाना सवार। आज तो पापा बहुत जवान लग रहे हो वैसे। आज अंकल का फेशियल, ब्लीच, कलर सब करके आज पापा को यंग बॉय कर दो। इतने जवान अनिल कपूर लग रहे हो आज। जवान होने से क्या, अंदरूनी भी जवान होना चाहिए ना, अंदरूनी तो कमजोरी है। जब तू बुलाता था तो कहते थे हाँ हाँ अपना पॉटी धोने के लिए भी एक रख लो असिस्टेंट, आज खुद बैठे हुए हैं चेयर पे। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे राजा साहब, मौका वालते है कि मौका मिले मेरे को उठ के ना जाना पड़े। फिर टांड आज पूरी गंजी कर देते हैं, क्या कहते हैं शकाल बना दे आज। बोलो। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा बेटा, तेरा ही जाएगा, तेरी रेपुटेशन ही उड़ेगी। क्यों शकाल वही रह गया, अभिषेक के पापा, ट्रिगर इंसान के पापा, तो बेइज्जती मेरी नहीं होगी, मुझे कौन जानता है, तेरे को जानते हैं। आप तो सेक्सी बॉय हो यंग। यहां से वो अनुपम खेर बना है, अभी मजे ले लो। बीवी ऐसी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, बीवी तो दुश्मन ही होती है। बहुत अच्छे टाइम पे करार भैया है। मैं अभी उठ के नीचे आया हूँ और मैं देखता हूँ इकरार भैया है। मैं कहा भाई आज सोच ही रहा था मैं बाल कटवाने जाता हूँ, बाल काटने भैया खुद ही खराब है। लो जी भैया जी, आई एम रेडी। ओके मेरी काया पलट कर दो, मेरे को हैंडसम बॉय बना दो। आज तो मतलब पूरा सैलून यहीं पे खोल दिया आपने। भैया एक काम करना, बिल्कुल का किया फिर बिल्कुल ऐसा यहाँ से एकदम चिकना कर दो। लेट हो भी गए हैं देखो मम्मी, यहाँ पर वर्ल्ड्स बेस्ट मसाजर आए हैं, अभी देखना तेल लगा के मेरी मांसपेशियां तोड़ देंगे। अच्छा हुआ तूने बता दिया। दे भैया मेरे को ऐसा चिकना कर दो एकदम यार। दाढ़ी में अच्छे लगते हो वैसे आप ना। है चिकने मत हो जाए। नहीं भैया ना, है हम चिकना ट्रिगो क्यूट लगते। अच्छा हल्की कर दो, बच्चे लगते हो फिर ना क्यूट। मैं हूँ ही बच्चा। यहाँ से बिल्कुल ऐसा हल्के कर दो, यहाँ से मत छेड़ना, लंबे लंबे रहन दो, और साथ में बिल्कुल हल्की सी दाढ़ी हल्की बेट, ठीक है फिर लगूंगा एकदम ऐसा प्रिगना चिकू। अभी डोरबेल हुई और देखो कितने बड़े बड़े कुरियर, ये दो बॉक्स आए हैं और ये बॉक्स मंगवाए हैं निश्चय मल्हान ने। निश्चय मल्हान मलन साहब, ये दो बॉक्स आए हैं, अब क्या मंगवाया आपने? ये इतने बड़े बड़े दो बॉक्स जो आए हैं। आप पिछले दो तीन वीडियो से हर वीडियो में से बोलते हो फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा मेरे माँ बाप को फ्रेश ऑक्सीजन दिलवा देते हैं। आपको फ्रेश ऑक्सीजन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही मिल जाएगा। एयर प्यूरिफायर? दो दो आप ही को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए? नहीं नहीं हमारे साथ साथ आपको भी चाहिए सर। आइए आपके कमरे में ही लगा देते हैं। तो सेंटर में रखेंगे ना ताकि पूरे घर की एयर प्यूरिफाई हो। कौन सी कंपनी है? बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आप ऑक्सीजन एंजॉय करो ना, कंपनी का अचार डालना है। हाँ जी आप कुछ कह रहे भाई साहब? नहीं बहन जी। अभी ऑन कैसे होता है? आवाज तो आई थी। हाँ आई तो थी, वो वाली आवाज आई थी कि हाँ भाई मैं ऑन तो हो गया हूँ। हाँ। ओ टच वाला है, टच वाला है मम्मी, टच वाला, बस टच के अपने आप ऑन हो गया। हमारी ये फ्रेश एयर आ रही है, एयर प्यूरिफाई हो रही है, तो पता कैसे चलेगा हमें? ये पढ़ लो। अच्छा यस ठीक हो गया, ऑन हो गया, आवाज आ रही है। Yes, now it started. हाँ, तो ये कितने घंटे काम करता है ये भी कुछ होगा इसकी? लो पढ़ लो। अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे लगा के। ये भी पढ़ लो। मुझे क्या पता, मैं अभी पहली बार ही मंगवाया है।
आपने मंगवाया तो कुछ पढ़ के ही मंगवाया होगा ना। लो पढ़ लो। लेट है आओ। अरे बड़ा ही स्मार्टी स्मार्टी बॉय बना है। क्या चाय है? बहुत अच्छी लग रही है। किसी खास ने बेची है? कैसी लग रही है? खास ने बेची है तो खास ही लग रहा है। अब तो तुझे भी चाहिए होगी। ये देखो कितने सारे गिफ्ट भेजे तुम लोगों ने। ऐसा कोई करता है? इतने गिफ्ट भी कोई भेजता? ये तो बहुत सारे गिफ्ट है। मैं सुबह शाम मन भी डबीता हूँ, लेकिन इतने सारे गिफ्ट दिए थे तुमने, मजा आ गया। अब इनको अनबॉक्स करने के लिए मम्मी को मम्मा। ओ मम्मी, तू कोई मिल गया क्या? रोहित क्यों बनी बैठा है? क्योंकि मैंने कहा ले देखिए कोई मिल गया, और जादू आएगा मेरी शक्तियाँ लेके। आप चाकू लेके आओ। जादू, जादू की शक्तियाँ मिले ना मिले, गिफ्ट तो मिल गया ना। मेरा जादू आएगा। जादू को चाकू की और छुरी की क्या जरूरत है? चाकू छुरी से ये वाले गिफ्ट जल्दी अनबॉक्स हो जाएंगे, वरना बच जाएगी जल्दी, समझे ना मम्मी। द्रोहित तू कितना भी बड़ा हो जाए, तुझे मेरी जरूरत हमेशा ही रहेगी। सब आपकी और भनवीड़ा की जरूरत है। मेरा भनवीड़ा मिलेगा ना? ये गिफ्ट में भनवीड़ा नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। तो ये सबसे पहला गिफ्ट भेजा है लविशा चैटर्जी ने। अभी मैं ऐसे बोलना बंद करता हूँ, ये लोग मेरे को गालियां देंगे। मेरे को गालियां देगा, मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। लेस का पैकेट अंदर ये लो। एक और। वाओ, चिप्स के साथ साथ एक पेंगुइन भी था। ये पेंगुइन है। थैंक यू लविशा। आगे बढ़ते हैं अगले गिफ्ट की तरफ, जो कि भेजा है हमें विश्वजीत गायन, लिखा हुआ है मेरे बेटे में फुकरा इंसान के लिए गिफ्ट भेजा। और ये मेरे लिए, आपको वाला गिफ्ट नहीं बोलूंगा, किसी और के गिफ्ट खोलना गंजी बात होती है। वाओ ऑक्टोपस। और साथ में भाई कैप भी है। ओहो हो, नाइस कूल कैप। ये तो टी-शर्ट है। थैंक यू विश्वजी। ये वाला खोलते हैं, ये सबसे बड़ा बॉक्स लग रहा है। ये पता किसका है? अंकित मदान। ओह यस, दिस इज फ्रॉम कोलैबेक्स। अंकित भाई की तरफ से आया ये। ओह इस बार कस्टमाइज्ड है भाई, ट्रिगर्ड। वाओ, ओहो क्या बात है। लेट्स गो। ये तो भारी भी बहुत है। चलो, अपने स्टूडियो के लिए एक नया डिवाइस मिल गया है। थैंक यू अंकित भाई। केविन जोसेफ, डेसिमल की तरफ से आया ये। ओ तो डेसिमल जो है एक ऐप है, ये उन्होंने हमें भेजा है। अरे वाह, इसमें तो चॉकलेट्स है मम्मी, हेजलनट मोका जार है, सेंटेड कैंडल है। कैंडल है, कैंडल है। मम्मी को दूर से देख के पता चल गया ये वो होंगे ना, वो फ्लावर्स जो सेंटेड वाले होते हैं, एयर प्यूरिफाई वाले जो होते हैं। हाँ वही है। मम्मी तुम तो बहुत तेज हो। ये माँ के साथ है। ये गिफ्ट मम्मी अनबॉक्स करेगी, क्योंकि मैं थक गया हूँ और मेरी मम्मी के साथ आता है। ये भेजा है एडोरिंग निश्चय श्रीजा। ओ दिया है ओम गणेश जी बने हुए हैं और आगे सुंदर दिया है। थैंक यू श्रीजा। और भी है, और भी है। ओ चलो एक और कुर्ते। मैं उस दिन मम्मी को कह ही रहा था, मम्मी हमें थोड़े से कुर्ते और लेने पड़ेंगे, हमारे पास कुर्ते नहीं है इतने। यस, ये सबसे मस्त चीज भेज दी भाई, काम हो गया अगले साल के लिए। इतने सारे सॉफ्ट टॉय दे दिए तुम लोगों ने, एक ऑक्टोपस, ये एक पेंगुइन, मजा आएगा। अरे ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ ये पूरा खोलो, पूरा खोलो, जिप पीछे तक जाएगी इसकी, अंदर से एक सॉफ्ट टॉय निकलेगा और ये उसके कान बन जाएंगे। ये हाँ ये मैंने इंस्टा पे देखा था, क्यूट है, क्यूट है। ये तो सारे सॉफ्ट टॉयज रखने के लिए अब जगह भी नहीं है, बट थैंक्स। अगला गिफ्ट। हाँ जी मम्मी, आप समझ आ रहे हैं जब मेरे को बोल रहे थे थोड़ा जल्दी कर, जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो लगेगा ही। और इसके अंदर है डार्क चॉकलेट, ये जो तेरे कंप्यूटर पे पड़े नहीं हुए टेबल पे। हाँ 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 हाँ। अरे हैरी पॉटर एक और आ गया। ये मेरे दोस्त जादू का जादू दोस्त है, हैं? क्योंकि ये भी जादू करता है। ओहो, शेका एन, इसमें सेल डले। सेल डलेगा फिर ये एन चमक जाएगा। भेजा है हमें आदिति, नोनू की दीवानी, ट्रिगर्ड डॉट फैंटेसी। क्या बात है, ये मैं लेटर तुम्हें दिखाता लेकिन इस पे उसने अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, तो रहने देता हूँ। ये गिफ्ट क्या है?
अगला गिफ्ट ये है, बहुत बड़ा गिफ्ट और बहुत भारी भी है। अल्लाह भाई, नाइकी के जूते भेजे हैं। और किसने भेजे हैं? वजाहत। वजाहत भाई ने भेजे हैं? हाँ। ओ भाई देख, वजाहत का नाम बिना चश्मे के पढ़ लिया मैंने। ओए होए होए, क्या बात है मम्मी, नाइकी एयर भेजे हैं भाई ने। और अरे टी आर जी लिखा है पीछे, ट्रिगर्ड। अच्छा। भाई थैंक्स यार वजाहत भाई, आपने गिफ्ट भेजा वो भी कस्टमाइज। मम्मी और मैंने भाई कितना ही कचरा कर दिया है, इतने सारे गिफ्ट अनबॉक्स करते करते, और अभी भी बच रहे हैं भाई। तुम्हें इसमें क्या है? इसमें सारी लेटर्स और अरे बाप रे, कितने लेटर्स भेज दिए हैं। ओए होए 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 होए, आद्या देशभक्त एम्बिशियस आद्या, आद्या द लसन। ओए होए होए होए, बचपन की फोटो कितने क्यूट क्यूट को बना रखे हैं। है फ्रेजाइल, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबली निकलने वाला है फोटो फ्रेम। चलो मम्मी, यू कैन डू इट, लास्ट 2-3 गिफ्ट्स लेफ्ट एंड वी आर डन। आ जाओ यार मम्मी, आ जाओ मैं कर देता हूँ। अच्छा आ जाओ, आ जाओ मैं कर देता हूँ। पकड़ो, वैसे ही पसीने छूट रहे हैं थोड़े और सही। ये भेजा है रित्ति सेठी, अंदर से निकलेगा फोटो फ्रेम। ओम ओम गणेश जी भी हैं, सुंदर बना हुआ है। ये भी ओम है, ये अलग से बना हुआ है, वो मतलब अलग डिफरेंट है। टाइप ऑफ स्केच, ये गणेश जी बनाए हुए हैं और वो ओम। बहुत जय हो, इसको हम यहाँ रख लेते हैं अभी। ये भेजा है समायरा ने, जिसने लिखा है हैप्पीएस्ट बर्थडे निश्चय भैया, पीएस सारी पैकिंग मैंने खुद करी है, हे हे हे। ये लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है, व्लॉग में बताना आपको कैसा लगा। अच्छी है, इसको पता था हम ये वीडियो बनाने वाले। ये डाल ले अपने गले में। अच्छा ये वो है। हाँ। लिखा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय हीरो। सच में यही लिखा हुआ है? हाँ, हैप्पी बर्थडे हीरो। तो नेक्स्ट खोलते हैं, इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे नोनू, और पूरी उसने वो बना रखी है, साथ में एक स्केच भी है मेरा। ओए राइटिंग कितनी सुंदर है इसकी। अरे मैं तो पैकिंग खोलते खोलते ही थक गया। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम है और इसमें है मेरी। कितनी मेहनत करते हैं भाई, कसम से यार। और जबकि इस बार तो मैंने स्पेशली बोला था कि प्लीज गिफ्ट वगैरह मत भेजना, मत भेजना, तुम लोग फिर भी इतनी मेहनत करके इतने सारे गिफ्ट भेज देते हो। बड़े अलग से स्टाइल का मग है। एक रह गया मम्मी, लास्ट कर दे फिर उसका भी। यस, इस पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है किसने भेजा है। आओ आओ पापा जी, आइए 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 सर आइए। क्या क्या हो रहा, थोड़ा सा भेजा है, हैप्पी बर्थडे टू यू ट्रिगू भैया। ये वो है मम्मी, इसमें गर्म पानी डालोगे तो इसमें जो ड्रॉ हुआ है सब दिखने लग जाए। सेक्सी नाइकी, नाइकी एयर। और ये खोलना जरा। हाँ, थोड़ी मेहनत आप भी करो। मैं नहीं कराती, मेरे को ये खुलेगा कैसे? मैं नहीं कराती। अरे मेरे को नहीं आ रहा ना। ये आरना ने भेजा है, ने बहुत सारी फोटोज बना रखी हैं मेरी, सारी तेरी, मेरी फैनफेस्ट की, मेरे प्लेग्राउंड की, मेरी स्ट्रीम की, यूट्यूबर ऑफ द ईयर वाली। ये किसकी है? ये देख ले, ये वो देखे गया था कुणाल, ये कुणाल ने दिया। हाँ ये कुणाल की तरफ से, कुणाल हमारे बचपन के दोस्त। ये मैं पहन के ट्राई करना चाहूंगा। ये तुझे नहीं अच्छी लग रही? ना पापा की वैसी नजर पड़ गई पहले ही, तेरे पे नहीं अच्छी लगेगी, ये तो मेरे लिए है। जूते भी वो इसीलिए देख रहे थे, स्मार्ट है, फिट आ रही है, आ गई बिल्कुल। ऑफ कोर्स आएगी बिकॉज आई एम फिट। और गिफ्ट के साथ साथ ये केक, वाओ हैप्पी बर्थडे किंग। सारे साइज है, ये सबसे बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा और ये सबसे छोटा, तीन तीन केक। ओके, तो टाइम हो गया अब हमारा तो सोने का, सब लोग खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, जब हमने सुबह एयर प्यूरीफायर ऑन करा था तो उसमें रेड लाइट आ रही थी। रेड लाइट का मतलब, रेड लाइट का मतलब बहुत डेंजर। लेकिन अब इसमें आ रही है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब ग्रीन नहीं है मम्मी, ये देखो आपकी आंखें खराब है, येलो आ रही है। ये
येलो है यार। गाइस इसमें चार मोड होते हैं, रेड मतलब वेरी डेंजरस, येलो मतलब डेंजर पर उतना भी नहीं, ग्रीन मतलब एवरेज गुड गुड, और ब्लू मतलब वेरी गुड। तो अभी थोड़ी देर पहले वैसे इसमें ग्रीन हो गया था, ग्रीन आ रही थी तभी तो मैंने कहा ना। वो एक्चुअली जब बाहर बाहर के दरवाजे वगैरह खुलते हैं तो फिर वापस द एटमॉस्फेयर आउटसाइड कमिंग इन एंड मेकिंग द प्रदूषण इन द एटमॉस्फेयर मोर एंड वेदर, सो दिस नाउ ग्रीन, अब देख ग्रीन आ गई, नाउ इट इज ग्रीन, इन थोड़ी देर दिस विल बिकम ब्लू एंड देन यू कैन ब्रीद फ्रेश एयर। अब फर्क पड़ गया वैसे, अब देखना अब अभी कितने दिनों से क्या हो रहा था, जब भी सो के उठते थे ना तो ऐसा लगता था कि नाक जो है एकदम बंद हो रही है, बाथरूम में जाके शुणू 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 करना पड़ता था, लेकिन जब अब ये लग गया ना अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी एटलीस्ट घर में तो अच्छी एयर मिलेगी। मम्मी अब आप क्या करोगे? गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। हाँ, घुसाओ मेरे मुंह में, घुसाओ घुसाओ। गुड नाइट गाइस। ओके गाइस अब सो रहा हूँ, सुबह फिर उठ जाऊंगा, दोपहर को फिर उठ जाऊंगा। बाय बाय।